मैं शंकर सेफ्टी, मैं आज लाइफलाइन क्रॉसिंग के में आया हूं चेक करने के लिए किस तरह लाइफलाइन क्रॉसिंग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लाइफलाइन क्रॉसिंग किया जाता है, आपको विस्तार से हम बताएंगे कि किस तरह लाइफलाइन क्रॉसिंग हो रहा है, उधर किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नया है तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और नया भी हो गए तो आप लाइक कॉमेंट शेयर करना है, और पुरान भी होंगे तो आप अभी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए भी। तो हेलो दोस्तों, शंकर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं लाइव लाइन क्रॉसिंग चल रहा है, आपको मैं पहले ही दिखाया था, लाइव पायलट का क्रॉसिंग हो रहा था उस टाइम। अभी देखिये जो बॉटम फेस है, तीसरा फेस सबसे नीचे वाला बॉटम फेस बोला जाता है, वो भी किरान के सहारे से रोला लगा के इधर घुमा रहा है, जा रहा है, क्योंकि इधर लाइव लाइन सामने था ना, इसलिए अगर टच हो जाता इसलिए। तो हम लोग का अभी लाइव लाइन क्रॉसिंग अभी चल रहा है, देख सकते हैं पूरा वेरिफिकेशन लगा हुआ है, दो दो किरान यहाँ पे है, सब अपना अपना काम पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो लाइव लाइन क्रॉसिंग इसी तरह हम लोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह लाइव लाइन क्रॉसिंग हम कर रहे हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह लाइव लाइन क्रॉसिंग करते हैं। आप लोग भी अगर लाइव लाइन क्रॉसिंग किए होंगे तो आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोग लाइव लाइन क्रॉसिंग किस तरह करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह लाइव लाइन क्रॉसिंग हो रहा है। अभी इसको डोली के सहारे से, मेन बास्केट के सहारा से अभी उसको ऊपर उठाया जाएगा, रोलर और एक आदमी भी जाएगा उसके अंदर में जाके बैठ के, उसी तरह अभी जाके उधर ऊपर में रोलर लगाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह अभी काम चल रहा है, ये देखिए आपको भी दिखाएंगे, बारी के बारी का कंडक्टर पुलिंग हो रहा है, देखिए कंडक्टर पुलिंग हो रहा है, अभी घूम रहा है ये। देखिए अभी दूसरा वाला भी मेन बास्केट के सहारे से अभी आदमी जाएगा ऊपर, किस तरह जुगाड़ लगा रहा है मेन बास्केट को बांध के ऊपर भेजने के लिए। इधर रोला का भी जुगाड़ लगा रहा है, देख लीजिए रोला को किस तरह बांध के उठाएगा, फिर ऊपर में लगा के उसको फिट करेगा कंडक्टर के साथ। तो देख सकते हैं कितना सेपरेट से बांध के भेजा जाता है। और आप लोग भी अगर लाइव लाइन क्रॉसिंग करते होंगे तो आप लोग किस तरह करते हैं, आप लोग भी जरा बताइएगा कॉमेंट करके कि किस तरह लाइव लाइन क्रॉसिंग किया जाता है। चलिए देख लीजिए लाइव लाइन क्रॉसिंग है, 130 है, 133 है, तो देख सकते हैं अभी जुगाड़ लगा रहा है, बांध रहा है लोग। देखिए अभी क्रॉसिंग को स्टार्ट किया जा रहा है, अभी जुगाड़ को धीरे धीरे हाफिस कर रहा है, मेन बास्केट को इसमें जुगाड़ लगा के बांध दिया जाएगा। तो देख सकते हैं जो हेड बोर्ड है, रनिंग बोर्ड इधर अभी खड़ा है, ये है रनिंग बोर्ड, देखिए तो रनिंग बोर्ड क्रॉस करके इसके बाद इसमें लगा रहा है कंडक्टर का रोलर, क्योंकि ये अगर अभी बॉटम फेस का है ना, ये डाउन हो जाएगा, इसलिए पायलट आगे खिंचा चुका, जा चुका पूरा उधर, तो अभी बॉटम फेस का चल रहा है, देख सकते हैं। तो इधर रोलर लगा दिया जाएगा, उसका कंप्लीट हो गया, चल गया है रोलर और मेन बास्केट के साथ, एक आदमी ऊपर जाएगा उसको फिट करने के लिए। ये किरान है, ये 75 टन का किरान है, देख लीजिए, और ये जो बगल में है वो 25 टन का किरान है। देखिए मेन बास्केट के साथ में भी इधर जुगाड़ लगा रहा है, बांध रहा है सब। देखिए इसमें दो सीलिंग लगा हुआ है, दो दो मीटर का, और इसमें एक एक मीटर का चार बेल्ट है, जिसमें ये मेन बास्केट को झुलाया है। जो दो दो मीटर का सीलिंग है उसमें भी रोलर को झुला देगा और ऊपर उठाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की अभी उठा के ऊपर जुगाड़ लगा के ऊपर में काम किया जाता है। इधर एक आदमी सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है, देख लीजिए अभी सेफ्टी बेल्ट पहन के ऊपर जाएगा ये साथ में, देख लीजिए अभी इसको ऊपर उठाया जा रहा है। उधर से आ रहा है पुलिंग होकर के अभी। तो देखिए अभी सेफ्टी बेल्ट का हुक लगा रहा है पीटर,
जस्ट अभी ऊपर धीरे धीरे ये जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लाइफलाइन क्रॉसिंग में रोलर यूज किया जाता है। तो आप मेरे चैनल में लगे रहिए और देखते रहिए, आपको एक से एक ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, स्टिंगिंग के बारे में बताते रहेंगे हम कि किस तरह लाइफलाइन क्रॉसिंग करना है, किस तरह पुल और मशीन को किस तरह मेंटेनेंस करके रखना चाहिए, किस तरह क्या करना चाहिए। आपको सेफ्टी के रिलेटेड और हर एक चीज की जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, आपको अभी एक से एक हर एक चीज का जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आपको मालूम भी होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह काम किया जाता है, किस तरह काम होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये अभी किरान के सहारे से ऊपर उठाया जा रहा है, किरान के उठा के ऊपर में उसके बाद उधर जुगाड़ लगा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं अभी जस्ट ये रोला ऊपर चला गया है, मेन बास्केट से जो व्यक्ति जा रहा है अभी वो कंडक्टर के साथ में इधर रोलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि जो कंडक्टर है वो नीचे डाउन ना हो, क्योंकि आगे जो रनिंग बोर्ड है वो रनिंग बोर्ड आगे उधर जाने के बाद ये कंडक्टर का उतना टैग से नहीं पुलिंग किया जाता है ना, इसलिए डाउन हो जाएगा। तो डाउन होने के में ये जो लाइफलाइन क्रॉसिंग है इधर सट सकता है, इसलिए यहाँ पे इसको रोला दोनों साइड में लगा रहे हैं बॉटम फेस में। ठीक है, इधर मिडिल फेस पुलिंग हो चुका है, बॉटम फेस का ही प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए इधर में इसमें रोला लगा दे रहे हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अभी आपको सबको विस्तार से मालूम होगा, इस तरह काम किया जाता है, देख सकते हैं। तो धन्यवाद आपको मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइफलाइन क्रॉसिंग कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, शेयर करके बता सकते हैं कि किस तरह लाइफलाइन क्रॉसिंग किया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं फाइनली दोनों साइड में दो रोलर लग चुका है, देख लीजिए दोनों साइड में रोलर लग गया, अभी कंडक्टर पुलिंग होने स्टार्ट हो गया है, अभी कंडक्टर पुलिंग हो रहा है, देखिए दोनों साइड में रोला घूम रहा है, देखिए।